बॉलीवुड की परफेक्ट भाजी जिसमें साउथ का जायकेदार तड़का डला है, और जो ये डिश सामने आई है उसको हम कह सकते हैं फिल्म जवान। जी हाँ, परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाने की कोशिश की गई है इस पैन इंडिया फिल्म में बॉलीवुड और साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की। यही वजह है कि इसमें शाहरुख के साथ तमाम बड़े बड़े स्टार्स हैं जो साउथ इंडियन इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं। उन्हीं में से एक है विजय सेतुपति। क्या आप जानते हैं कि शाहरुख खान जो बॉलीवुड के बादशाह हैं, वो विजय के फैन हैं, और खुद उन्होंने इस बात को सोशल मीडिया के जरिए बड़े प्यार से, बड़े चाव से और खुले में अनाउंस किया है, बताया है। जी हाँ, दरअसल हुआ ये कि जब जवान का प्रीव्यू रिलीज हुआ उसके बाद तमाम चीजें सोशल मीडिया पर आ रही थी, और उन्हीं में से एक था विजय सेतुपति का एक पोस्ट, ट्विटर पर एक पोस्ट जिसका रिप्लाई शाहरुख ने दिया। और यहाँ शाहरुख ने की है विजय सेतुपति की तारीफ, यहाँ तक कहा है कि विजय की वजह से ही उन्हें थोड़ी बहुत तमिल सीखने को मिली है। यहाँ शाहरुख ने उनको कहा कि उनके साथ काम करना उनके लिए गर्व की बात है, साथ ही वो इस बात के लिए थैंकफुल है कि उन्होंने उन्हें थोड़ी बहुत तमिल सिखाई, और हाँ, बहुत सारा स्वादिष्ट खाना भी खिलाया है। चलिए, विजय सेतुपति तो इस फिल्म में है ही, लेकिन इसके साथ साथ और भी साउथ इंडिया के कई बड़े चेहरे इस फिल्म का हिस्सा होंगे। जी हाँ, एक तो शाहरुख के साथ फिल्म में नजर आएंगी साउथ की जानी मानी सुपरस्टार हीरोइन नयनतारा। इस फिल्म का जब प्रीव्यू सामने आया तो नयनतारा इसमें बहुत एक्शन पैक्ड रोल में नजर आ रही हैं, और लोग उनको लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं कि जब शाहरुख और नयनतारा का ये जो एक्शन पैक्ड मसाला स्क्रीन पर देखने को मिलेगा तो उसका जायका कैसा होगा। वहीं इस फिल्म में प्रियमणि भी काम कर रही हैं, अगेन वो साउथ की एक बड़ी स्टार हैं, और चेन्नई एक्सप्रेस में थोड़ी देर के लिए वो शाहरुख के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर कर चुकी हैं। इसके अलावा जाने माने कॉमेडियन योगी बाबू भी इस फिल्म का हिस्सा बनने वाले हैं। वैसे इतना ही नहीं, एक तरफ तो साउथ का धमाका है इस फिल्म में, इस फिल्म को डायरेक्ट कर रहे हैं खुद एटली जो एक जाने माने फिल्म मेकर है, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम सोशल मीडिया की बात करें तो और जो पैन इंडिया फिल्में हैं जैसे KGF यूनिवर्स, प्रभास की आने वाली फिल्म सलार, और जो इसका पैन यूनिवर्स है ऑलरेडी, ये और जो जवान है इसके जो फैंस हैं, इनके बीच टकराव सोशल मीडिया पर काफी हद तक देखने को मिल रहा है। इस सब के बाद पैन इंडिया में फिल्म कैसा काम करती है ये देखना काफी दिलचस्प होगा। क्या ये फिल्म 1000 करोड़ का आंकड़ा पार करेगी या नहीं, ये देखना दिलचस्प होगा। वैसे आपको बता दें कि जब इस फिल्म का प्रीव्यू आउट हुआ तो उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सिर्फ पहले 24 घंटे में इसने 100 मिलियन व्यूज से ज्यादा का आंकड़ा पार कर दिया।